अजीज तुलबा मैकेनिकल थर्ड ईयर में खुश आमदी और ये लेक्चर नंबर 15 के साथ आज वर्कशॉप प्रैक्टिस 3 मैक 353-354 में जो हॉरिजेंटल आर्बर मिलिंग कटर्स थे उनको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके अंदर अगला जो टॉपिक है वो है कन्वेक्स एंड कनकेव कटर्स, कन्वेक्स एंड कनकेव कटर। कन्वेक्स कटर्स प्रोड्यूसेस कनकेव बॉटम ग्रूव्स आर दे कैन बी यूज्ड टू मशीन रेडियस शक्लें बनाने के लिए और जो है कनकेव बॉटम ग्रूव्स जो है कनकेव ग्रूव्स जरिया नालियां काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप देख लें ये कोई जॉब है और इसके अंदर ये जो ग्रूव कटी जाएगी ये वाली दिस इज नोन एज द कॉनकेव बॉटम ग्रूव, इसको कहते हैं कॉनकेव बॉटम ग्रूव, जिसके लिए कन्वेक्स कटर इस्तेमाल किया जाएगा। कन्वेक्स कटर को इस्तेमाल करते हुए जाब की सतह के ऊपर कॉनकेव बॉटम ग्रूव्स काटी जाती है। अच्छा जी, और दे कैन बी यूज टू मशीन रेडियस इन एन इनसाइड कॉर्नर या अंदरूनी कॉर्नर में से जो है रेडियस रदास काटने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कि अजीज तुलबा ये कोई जॉब है और इसके कॉर्नर में ये रदास की सतह बन गई। दिस इज नोन एज द रेडियस इन द कॉर्नर, के कॉर्नर के ऊपर रेडियस काटता है। ठीक है जी, कनकेव मिलिंग कटर्स में कन्वेक्स प्रोफाइल, जबकि कनकेव मिलिंग जो कटर है वो तो बात हो गई थी कन्वेक्स कटर की, अब कनकेव कटर की क्या पोजीशन है, क्या फंक्शन है कि कनकेव मिलिंग कटर्स में कन्वेक्स प्रोफाइल ऑन द सरफेस के सतह के ऊपर उभराहटी जगहों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर ये कोई जॉब है सिस्टमवा और उसके ऊपर इस तरह कटाई हो ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल तो ये कनकेव कटर इस तरह की कटाई करेगा कि कन्वेक्स कटिंग करता है और ये कटर इस शक्ल में पाए जाते हैं। ये है कॉनकेव मिलिंग कटर्स। ठीक है जी, दीज कटर्स आर हेल्ड ऑन हॉरिजॉन्टल आर्बर ऑफ द मिलिंग मशीन, और हॉरिजॉन्टल आर्बर मिलिंग मशीन के ऊपर ये जो है ये इसके अंदर सुराख है और ये कोई आर्बर लगी हुई है, आर्बर है जिसके ऊपर इस कटर को इस तरह बांधा जाता है। अजीज तुलबा तो ये हो गई कनकेव और कन्वेक्स मिलिंग कटर।
इसके बाद है कार्नर राउंडिंग कटर। के कार्नर राउंडिंग कटर क्या है? दीज आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक रेडियस, एक मखसूस रदास को काटने के लिए कार्नर राउंडिंग कटर इस्तेमाल किए जाते हैं। दीज कटर्स आर ऑपरेटेड ऑन हॉरिजॉन्टल आर्म पर, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के ऊपर इनको बांधा जाता है। एंड आर यूज टू कट रेडियस ऑन शार्प कॉर्नर्स ऑफ द जॉब, और जॉब के जो तेज धारे होती हैं, खाशिये होते हैं, उनके ऊपर रदास की कटाई के लिए कॉर्नर राउंडिंग कटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो आखिरी है वो है इनवोल्यूट गियर कटर। इट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर कटिंग स्पर एंड हेलिकल गियर्स। ये खास तौर पर स्पर और हेलिकल गियर्स को काटने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अजीज तलबा, अगर आप देख लें तो ये है स्पर गियर और हेलिकल जो है अजीज तलबा वो इस तरह होंगे तिरछे सलामीदार, ये हेलिकल और ये स्पर। तो स्पर गियर और हेलिकल गियर्स को काटने के लिए खास तौर पर इस इनवोल्यूट गियर कटरों को डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। दिस इज अवेलेबल इन अ सेट ऑफ 8 कटर्स, और 8 कटरों के सेट में अवेलेबल है। कितने कटर है जी? 8 कटर एक सेट में पाए जाते हैं। हैविंग डिफरेंट रेंज टू कट द टीथ, जिसमें से दंदानों को काटने के लिए मुख्तलिफ रेंजें रखी होती है, गुंजाइशें रखी होती है। द कटर नंबर रेंज टू कट द टीथ डेप्थ ऑफ कट इज इंग्रेव्ड ऑन इट। ये तमाम बातें इस कटर के ऊपर इंग्रेव प्रिंट की भी होती है कि कटर का नंबर कौन सा है, कितने दंदाने इस पे काट सकते हैं और कितने डेप्थ तक, गहराई तक दंदाना आप इस पर काट सकते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन सहूलियात इस कटर के ऊपर कंधे भी होते हैं, इंग्रेव्ड होते हैं। अजीज तुलबा, हमारे जो हॉरिजॉन्टल आर्बर मिलिंग कटर्स के जो एक्सप्लेनेशन थे आज वो ख़त्म हो गए। आइंदा लेक्चर नंबर 16 में आपको वर्टिकल आर्बर मिलिंग कटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आए तुलबा थोड़ा सा आपको ये दिखा दे ताकि आप आसानी के साथ इसको अपने नोटबुकों के ऊपर नोट कर सकें। उम्मीद है अज़ीज़ तुलबा आपने लेक्चर नोट कर लिया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप घर में अमन के साथ रह रहे होंगे
और आपकी वजह से कोई बंदा परेशान नहीं होगा, खासकर आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार। और आप अच्छे इखलाक और जो है माशाल्लाह मैनर्स एटिकेट्स के साथ वक़्त गुजार रहे होंगे और नमाज़ों की पाबंदी करते हुए इंशाल्लाह कुरान की तिलावत कर रहे होंगे। हाफिज़ ज़रा जितने हैं वो कोशिश करें रोज़ाना 3 पारे पढ़ लें, और जो हाफिज़ नहीं हैं वो कम अज़ कम 1 पारा पढ़ लें। सुबह सवेरे सूरह यासीन का अहतमाम कर लिया करें, और जो रात को सोने से पहले तबारक अल्लज़ी सूरह वाकिया सूरह रहमान कम अज़ कम पढ़ लिया कर लें, ठीक है जी। और मौका महल की दुआएँ सीख लें भाई, घर में दाखिल होने की दुआ, घर से बाहर जाने की दुआ, उसका सुन्नत तरीका, काना काने की दुआ, काने के बाद की दुआ, हाँ जी ये सारी दुआएं आप याद कर लें। दूध पीने की दुआ, पानी पीने की दुआ, ये सारी आपकी आनी चाहिए भाई। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।